हेलो स्टूडेंट्स, ऑपरेशन रिसर्च में पार्ट सी पीएम में आज क्रिटिकल पाथ ढूंढना हम सीखेंगे। तो क्रिटिकल पाथ कैसे ढूंढा जाता है उसके लिए एक एग्जांपल लिया है। तो एग्जांपल में है, एक्टिविटीज़ दी गई है ए से लेकर आई तक, सीक्वेंस दिया गया है और टाइम दिया गया है। तो सबसे पहले इसका चार्ट ड्रॉ करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो है सारे काम पूरे करने में कितने रास्तों से हम काम पूरा कर सकते हैं और उसका फिर टाइम ढूंढेंगे। जो सबसे ज़्यादा टाइम होगा वो होगा क्रिटिकल पाथ। तो इसका सबसे पहले हम सीक्वेंस वाइज चार्ट ड्रॉ करें तो 1 to 2 एक्टिविटी है ए, टाइम है 2, फिर 2 to 3 तो ऊपर जाओ या नीचे जाओ एक ही बात है, एक्टिविटी बी टाइम है 4, फिर 2 to 4 एक्टिविटी है सी टाइम है 3, 3 to 5 एक्टिविटी है डी टाइम है 5, देन 4 to 6 डी के बाद एक्टिविटी है ई एंड टाइम इज 2, देन 5 to 7 अब इसमें आगे सीक्वेंस देखें तो 4 to 6 तक तो बन गया, 5 to 7 एक्टिविटी है एफ टाइम है 4, फिर 6 to 7 एक्टिविटी है जी टाइम है 3, 7 to 8 एक्टिविटी है एच टाइम है 5, एंड 8 to 9 लास्ट में एक्टिविटी है आई टाइम है 3। अभी इसके पाथ ढूंढेंगे एंड तक पहुंचने के लिए। तो P1 पाथ, उसका सीक्वेंस 1 2 3 5 7 8 9। सेकंड पाथ में आते हैं P2, तो 1 2 4 6 7 8 9 टाइम लेते हैं हम, तो 2 4 5 ये ऊपर वाले टाइम इनके, 4 5 एंड 3 टोटल है इसका 23। सेकंड रूट का टाइमिंग तो 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 3 तो ये होता है 18। अब इन दोनों में जो है P1 का जो पाथ का जो टाइम है वो ज़्यादा है, तो P1 लिखेंगे इज क्रिटिकल पाथ।